चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जावा के अंदर डेटा टाइप्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका साइज क्या होता है, उनका रेंज जो है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इस पूरी प्लेलिस्ट को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक स्वागत करता हूं आपका एमक्यूटच गुरु चैनल पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, डेटा टाइप्स होता है इस तरीके से। एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जिस तरीके से हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं अल्फाबेट्स और नंबर्स और सिंबल्स वगैरह, तो एग्जांपल अल्फाबेट जो है ये एक डेटा टाइप है और नंबर्स जो है वो भी एक डेटा टाइप है। जैसा कि अल्फाबेट के अंदर हमारा आ गया ए बी सी डी जो भी है, तो ये जो है ये एक डेटा टाइप हो चुका है। अब इसी तरीके से जो है नंबर्स जो है ये भी एक डेटा जो है टाइप है, कौन से टाइप के अंदर हमारा डेटा है। और इसी तरीके से सिंबल्स हो गया, तो ये जो सिंबल्स है ये भी एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तीन तरीके के जो है डेटा है वो अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं। इसी तरीके से जो हमारा जावा है, जावा के अंदर भी कुछ डेटा है और उनके अलग अलग तरीके से टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं बाइट। ये जो बाइट है का जो साइज होता है वो 8 बिट्स है और इसकी जो रेंज है वो -128 से +127 तक है। तो इसी तरीके से जो शॉर्ट है इसका भी जो है साइज है ये 16 बिट्स है और इसका जो रेंज है ये -32768 से लेकर 32767 तक है। और इसी तरीके से जो है इंट है ये 32 बिट्स का है, तो 32 बिट्स जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 8 बिट्स 16 बिट्स और 32 बिट्स, तो ये इस एग्जांपल इस टाइप से हैं बिट्स। जैसा बिट्स हो गया एमबी हो जाता है, जीबी हो जाता है और टीबी हो जाता है, जैसा मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट। इस तरीके से जो साइज होता है मेमोरीज का और रैम का मेमोरीज का इन सभी चीजों का, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है साइज जो काउंट होता है, तो ये इंट को हो गया। अब एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें बाइट जो है इसका जो डेटा टाइप है वो 127 एटलीस्ट है, लास्ट है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाइट 127 जो है ये इसका जो है रेंज है। तो अब इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है अपने डेटा टाइप्स के हिसाब से। जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो साइज है वो इनका काउंटिंग होकर फिर उसके बाद में साइज हो जाता है। एग्जांपल जैसा कि किसी कोई हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसके अंदर हमने सबसे ज्यादा बाइट का यूज किया है, तो अगर हम बाइट का यूज करते हैं तो इसके अंदर साइज जो है इसका बिट भी कम ही यूज होगा। अब बिट कम यूज होगा तो उसके हिसाब से उस एप्लीकेशन का जो साइज होगा वो कम एमबी का होगा। या फिर हमने मान लीजिए कोई कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाया है जिसके अंदर हमने इंट का यूज किया है और लॉन्ग का यूज किया है, या फिर जो बड़े डेटा टाइप्स हैं जिनका जो बिट्स हैं जो साइज है वो बड़ा है उस हिसाब से अगर हमने यूज किया है उसके अंदर, तो उसका जो एप्लीकेशन का जो साइज है या फिर उस प्रोग्राम का जो साइज है वो लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा जो इंट है इसका जो डेटा टाइप है ये भी मतलब समथिंग लंबा ही है, तो हम इस टाइप से लंबा लेकर जा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स जो लॉन्ग है उसका भी डेटा जो है वो इंट से भी ज्यादा लंबा है। और यहाँ पर हम बहुत लंबी तरीके से कोई एप्लीकेशन जो होती है जैसा कि बैंक की कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत लंबा जो मतलब टारगेट होता है वहां पर काउंटिंग का, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो है ये तो हो गए तीन डेटा टाइप्स जो कि एक अलग तरीके से हैं। इनके अंदर सिंपल हम जो है नंबर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स जो ये फ्लोट है इसका जो साइज है ये 32 बिट्स है और इसका जो रेंज है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये इस टाइप से है और इतना है। तो इसको जो हम लिखेंगे जावा के अंदर और इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो इस टाइप से होता है। जैसे हम मान लीजिए फ्लोट के अंदर लिख रहे हैं
तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हमने कोई भी अपना जो डिजिट है वो लिख दिया हमने, फिर उसके बाद में डॉट, फिर उसके बाद में जो भी डिजिट लिखना है, और फिर उसके बाद में एफ लिखेंगे हम आगे। तो हमारा जो ये लिखने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो भी आपने जो डिजिट लिखा है उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद में एक जो डिजिट है वही यहाँ पर आएगा फॉलोट के अंदर, और फिर उसके बाद में हम एफ लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम जो है फॉलोट का जो डेटा है वो इस टाइप से हम लिखते हैं जावा के अंदर। अब फ्रेंड्स इसके बाद में जो है डबल हो गया, तो डबल को जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इस टाइप से लिख सकते हैं जैसे डॉट, फिर उसके बाद में जितना चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम जो है डबल का जो डेटा है वो लिखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजें और है जो कि है बुलियन और स्ट्रिंग। बुलियन जो है इसका जो है 1 बिट जो है साइज है इसका, और इस ये सिंपली हमारा जो है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का ही काम देता है, यानी कि हाँ और ना ही का काम देता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मान लीजिए हमने कहीं पर कोई डेटा जो है लिखना है जिसके अंदर हमें ये लिखना है कि जो यूजर है उसने लॉगिन किया है या नहीं, तो वो वहां पर जो हाँ और ना का जो यूज होगा वो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का यूज होगा, और बाकी जो यूज किस टाइप से होगा वो इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स सिंपली इसके बाद में है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का जो है हम जो एस है वो लिखते हैं कैपिटल लेटर के अंदर, और बाकी जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सभी लगभग स्मॉल लेटर के अंदर ही है। तो फ्रेंड्स इस जो स्ट्रिंग है उसका जो डेटा का जो साइज है उसका कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इसके अंदर हम डाल सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रिंग है वो इस टाइप से लिखी जाती है, यानी कि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में जो है अंदर जितना भी लिखेंगे वो सब कुछ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग और इसके बाद में हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है, और उसके बाद में हम जो भी इसके अंदर लिखना चाहते हैं, चाहे तो आप ABCD से के हिसाब से लिख लो, या फिर आप नंबर्स लिख लो, या फिर आप कोई भी सिंबल्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका जो है स्ट्रिंग के अंदर जो यूज होता है, तो फिर से मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, बाइट्स का जो है साइज इतना होता है और इस टाइप से लिखा जाता है, और इंट जो है वो भी सिंपल वे में लिखा जाता है, फ्लोट जो है उसके अंदर हम कुछ भी डिजिट जो है लिख कर उसके बाद में पॉइंट लगेगा, और फिर उसके बाद में एक डिजिट लगेगा और उसके बाद में एफ लिखेंगे। तो इस टाइप से हम फ्लोट को लिखते हैं, और डबल जो है उसके अंदर जितना भी हम डेटा लिखेंगे बीच में पॉइंट, फिर उसके बाद में जितना चाहे आप आगे तक लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम जो है ये लिखेंगे ABCD या फिर नंबर्स या फिर सिंबल्स, जो भी चाहे आप यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी चाहे वो लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इस टाइप से यूज होती हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम एप्लीकेशन बनाएंगे या जो भी चीज हम बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है यूज होगा हमारा स्ट्रिंग का, और फिर होता है यूज बुलियन, और फिर उसके बाद में इंट का यूज, सब इनका भी ज्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स और भी डिपेंड करता है कि हम एप्लीकेशन किस टाइप से बना रहे हैं, या फिर कोई भी जो जावा का जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का हम बना रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर यूज होता है। आई होप फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि जावा के अंदर डेटा टाइप कितने होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं, और उनका साइज और रेंज क्या क्या है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो को चेक कीजिए, और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।